किस क्या वास्तविकता है, लोगों को जो है गांव से भगाने की भी बात सामने आई है और जो लोग हैं वो नारायणपुर जिला के जो है इंडोर स्टेडियम में अपना शरण लिए हुए हैं। क्या कुछ मामला है यहाँ पे जो है, बहुत सारे लोग भी बैठे हैं हमारे साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनके साथ घटना हुआ है और क्या कारण रहा है कि ये जो है आज यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ रुक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकलूराम करंगा है सर। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मालिकनार में। क्या घटना हुआ आप लोग के साथ कि आप लोग को घर को छोड़कर आना पड़ा और यहाँ आप रुके हुए? मेरा क्या है सर, हम लोग धर्म परिवर्तन करते हैं करके हमारे गांव में कुछ दिन पहले 3 रविवार को मीटिंग रखा गया था सर। उसमें क्या है कि धर्म बदलना पड़ेगा और तुम लोगों को ये नहीं बदलोगे तो हम और जान से भी मार देंगे करके हम लोगों को पहले से मीटिंग रखा था। मतलब हम लोग इसी को चर्चा करते करने के लिए हम शुक्रवार 16 तारीख को रात को 7 बजे मीटिंग रखने के लिए तैयार हो गए थे। चाचा आया था, मैं नहा के आ गया था, हम लोग चाय पी के ऐसे ही बैठे थे सर, कुछ बात भी नहीं किए थे। वहाँ गांव वाले आए और ये मुखिया है करके मेरे को कॉलर को पकड़ के सर अंदर से बाहर खींच कर निकल कर मेरे को मारे। उनका नाम है सर कि मेरे को कादर पकड़ के खींचे, उनका नाम सैनूराम सलाम और उसका बेटा मनहर सलाम है सर। जैसे कि लोग लगातार बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आपने क्या कारण था कि आपने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना किया और धर्म परिवर्तन किया? मेरा क्या है सर, मेरा बीबी पहले बीमार में थी, उसमें क्या है सर मैं बहुत सिरहा देवी देवता करने के लिए अस्पताल घुमाते हुए भी हुआ घुमा के थका सर मैं। सिरहा ने क्या बोले, यहाँ पैदा नहीं हो सकेगी, तू कहीं भी कर और तेरा बचना है तो वहीं जा करके मेरे को सिरहा भी बताई सर। इसीलिए मैं क्या किया कि वो क्या कितना दिन हुई थी गर्भवती में, मतलब 11 महीना हुई थी सर, मैं बता रहा हूँ सर, 11 महीना हुई थी, 11 महीना वो लड़का को पेट में घुमाई सर, तो पर भी पैदा नहीं हो सकी। तब प्रभु यीशु के पास हमारे चाचा पहले से जा रहा था, उसके यहाँ विनती करने एक ही दिन ले गए, वहाँ एक दिन मतलब उसके प्रार्थना कर दिया, प्रभु तेरा ये अपना बेटा करके अपना बेटी करके आप बुलाए करके वो प्रार्थना किया। मैं उतना पहले नहीं जानता था मैं। घर में कितने लोग जाते हैं प्रार्थना? हम घर के सभी लोग, पिताजी को छोड़ के सभी लोग जाते हैं सर। आपके सिर में चोट भी लगी है, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे को सर वो दो जन खींच के बाहर निकाले और वो मारने वाले वो दो जन वो बाप बेटे खींच के निकाले और जूनूराम सलाम और सामनाथ सलाम उन लोग मेरे को मारे सर, डंडा में लकड़ी में मारे, वो भी खापा हुआ लकड़ी और आग जलाने वाला लकड़ी में मारे हैं सर। आपने तो थाना में शिकायत किया होगा इसके बारे में? इसके बारे में थाना में शिकायत हुआ है सर। क्या बोले थाना वाले? थाना वाले करेंगे बोले हैं सर, क्या करते हैं तो एफआईआर किए हैं। इस तरह की घटना जो है लगातार नारायणपुर जिला में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये जो लोग हैं इनके अंदर जो है डर काफ़ी बना हुआ है, जिसके वजह से इंडोर स्टेडियम है नारायणपुर की उसमें शरण लिए हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उससे जानने की कोशिश करेंगे। एक बहन है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बहन क्या नाम है? सावित्री पोटाई है सर। क्या घटना हुआ है आपके साथ और आप यहाँ क्यों रुके हैं? सर ऐसा है कि हम भी घर में थे और रविवार को 4 तारीख को, और फिर 4 तारीख में हम लोग घर में थे और फिर उन लोग घर में लेने आए और मीटिंग रखे थे और फिर वहाँ पे ले जाके हम लोग को बोले कि आप लोग चर्च जाना बंद करो, तुम लोग के वजह से हम लोग को कुछ आरक्षण वो प्राप्त नहीं हो पाता, ये सब बोलने लगे सर। तो हम लोग बोले हम चर्च जाना बंद नहीं करेंगे कि हम परिस्थिति से वहीं जाके ठीक हो गए हैं बोल के हम लोग बोले सर। और फिर वहाँ पे जाके हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तो उन लोग हम लोग को डंडा उठा के मारने लगे सर। कई लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन करने से प्रार्थना में जाने से जो संस्था है वो आप लोग को पैसा देती है, क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, और ना ही कोई पैसा देता है इसके लिए और ना ही कोई ये सब हमारे लिए करता है, लेकिन हम खुद करते हैं सर। जैसे कि हम चर्च जाते हैं, वहाँ पे कुछ खरीदना हो तो हम खुद के पैसे से करते हैं, कोई हमको पैसा नहीं देता बाहर से इसके लिए। आगे आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ लगातार कितना दिन तक रहेंगे, आगे क्या सोच रहे हैं?
हम तो वापस घर ही जाना चाहते हैं सर, क्योंकि पहले से ही हमारे पूर्वज जो लोग जिस गांव में हम लोग रहते थे उसी गांव के हैं, तो हम लोग वापस जाना चाहते हैं। और हम लोगों से मतलब उन लोगों से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, अब भी मारपीट किए तब भी हम उनसे नफरत नहीं करते सर। ऐसा क्या हो गया कि लोगों को अपने समाज से हटकर जो है प्रार्थना में जाने की ज़रूरत पड़ी, और क्या रीज़न रही, और इतना सब होने के बाद भी, इतना सारा घटना होने के बाद भी लोग आज अपने जो मान रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं उस पर बने रहने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? हमारे साथ एक भैया भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो घटना जो है लगातार नारायणपुर क्षेत्र में हो रहा है, नारायणपुर जिला क्षेत्र जिला में हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए भैया, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो हंसी खुशी से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, और कोई ना कोई अपनी समस्या के कारण से ही इस किसी के पास जाता है। जैसे अभी यीशु मसीह को अगर कोई विश्वास कर रहे हैं, उसके पास अगर जा रहे हैं, तो यही उनका मजबूरी है कि सब साइड इन्होंने अपनी समस्या को लेकर गया, इलाज भी करवाया, लेकिन ठीक नहीं होने के कारण से यीशु मसीह पर विश्वास किए, और विश्वास करने के कारण से उनको जो है एक अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नशे पान करना छोड़ो, साथ ही जो है एक हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, कैसे हमको लोगों से बात करना है, कैसे हमारे आर्थिक जीवन में हमको बदलाव लाना है, ये सब चीज़ें जो है जब हम चर्च गए, और चर्च जाने के बाद जो बाइबल की जो बातें हैं हमको जब सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, तो वो जो बातें थी वो हमारे जीवन को परिवर्तन किया, और इस कारण से बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन को परिवर्तन करके जीने के लिए ही इस जगह पर जा रहे हैं। आप धर्म परिवर्तन कहेंगे या मन परिवर्तन कहेंगे? ये मन परिवर्तन है भैया, क्योंकि धर्म परिवर्तन तो हम जानते नहीं हैं कि, और धर्म परिवर्तन का क्या क्या होता है हमको पता नहीं है, लेकिन जब से हम चर्च जाना शुरू किए हैं तब से मेरा अनुभव है कि मेरे जो स्वभाव पहले था, मेरा जैसा व्यवहार लोगों के साथ पहले था, वो अब नहीं है। आप कौन से कास्ट के हैं? मैं OBC कास्ट का हूँ। अच्छा। पिछड़ा वर्ग का हूँ। देखिए, क्योंकि समाज में भी कई सारे वो रहते हैं कि इसको मानना चाहिए, ऐसा क्या चीज़ रहा कि आपको समाज ने नहीं दिया और यहाँ आने के बाद आपको मिला? जी, समाज में एक्चुअली जब हम हैं तो समाज में हम सब उठते बैठते हैं, लेकिन समाज में रहते हुए हमको ऐसी शिक्षा नहीं मिली कि जो नशा करना छोड़ो, क्योंकि समाज में हम सब एक साथ रहते तो उसमें सब लोग मिल के पीना खाना करते थे, सब चीज़ करते थे, पर जो है ये चर्च जाने के कारण ऐसा ज्ञान हमको मिला कि जिसमें हम अपने नशा चीज़ों को छोड़कर एक अच्छा जीवन हम यापन कर सकें। और दूसरी बात कि हर धार्मिक ग्रंथ में यही सिखाया जाता है कि आत्मा अमर होती है, आत्मा मरती नहीं, लेकिन बाइबिल ये बताती है कि आत्माओं को बचाने के लिए इसी जीवन में हमको जीना होगा, प्रयास करना होगा, और तभी जो है हम उस जीवन में अच्छे से हम रह सकते हैं। आप कब से जा रहे हैं प्रार्थना में? मेरे को सर 20 साल हो गया। अच्छा। जी, तो आपने सुना कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पर अपना शरण लिए हुए हैं, और प्रशासन से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे जो जो घटना हुआ है हमारे साथ, इसकी न्याय मिलनी चाहिए। जिले में स्थित दो समूहों के बीच कुछ मारपीट की घटनाएँ और उनको गांव से बाहर करने की कुछ घटनाएं यहां पे हुई हैं, और इस संबंध में हम दोनों पक्षों से, जिला प्रशासन दोनों पक्षों से बात कर रहा है, और मारपीट की घटनाओं में जो दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, और साथ में जो व्यक्ति आज गांव से बाहर हैं उनको यहाँ पर शहर में उनको उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है, और हम गांव वालों से, जिला प्रशासन लगातार संपर्क में है, और हमारी पूरी कोशिश है कि इन व्यक्तियों को जल्द से जल्द हम उनके घरों में वापसी इनकी संभव करवा सकें।